गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिसेस। इससे पहले हम कॉमन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सेट्स, अब वो तो करेंगे ही, साथ में मैंने नेक्स्ट टॉपिक उठाया है इंडिसेस जो आप 9th-10th क्लास में कर चुके हैं। क्या है थोड़ा बहुत मैं आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ। जैसे 1/32 ^-4/5 है, इसको सॉल्व करना तो आप कैसे करेंगे, 1/2 ^5 लिखेंगे इसको, -4/5, ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो गई, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2^-5 × -4/5 सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा आंसर। जैसे नेक्स्ट में विच इज़ ग्रेटर, √2 है और यहाँ पे क्या 3^1/3 है, क्योंकि रूट में 3 आ जाए तो 1/3, अगर बाहर आता तो ऐसे आता, ठीक है, बाहर आएगा तो ऐसे लिखा होगा, वो मल्टीप्लाई में होता है, अगर इसके अंदर आ गया तो पावर होती है। तो हमें दोनों में से बताना है बड़ा कौन है, इसको लिखेंगे 2^1/2, इसको लिखेंगे 3^1/3, दोनों की पावर सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया 2^3/6, यहाँ आ गया 3^2/6। तो 2^3 को अंदर लिखा, 1/6 बाहर ले लिया, 3^2 को अंदर लिखा, 1/6 बाहर ले लिया, 2^3 हो गया 8 ^1/6, 3^2 हो गया 9 ^1/6, ठीक है। सो 8^1/6 आ गया, 9^1/6 आ गया, दोनों की पावर सेम, अब हम कंपेयर कर सकते हैं बड़ा कौन है 9, सो 9 किसका आंसर था 3^1/3 का, तो बड़ा हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड एन इफ़ √2^n = 64, √2^n = 64 को लिख सकते हैं 2^6, तो यहाँ आ गया 2^n/2, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो n × 1/2 बनेगा, n × 1/2 क्या बन जाएगा n/2, डेट इज 2^6 इक्वल में, कंपेयरिंग करेंगे पावर से पावर कंपेयर कर सकते हैं, जब बेस सेम हो तो n/2 क्या आ गया 6, n की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट आप फाइंड द वैल्यू ऑफ 2^n + 2^n-1 / 2^n + 1 - 2^n, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 2^n कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 + 1/2, नीचे भी 2^n कॉमन ले लिया, रह गया 2 - 1, 2^n से 2^n कट ऑफ हो गया, 1 + 1/2 हो गया 3/2, नीचे रह गया 1, तो आंसर आ गया 3/2। इसी तरह नेक्स्ट है x^a / x^b का होल पावर है a² + ab + b² इंटू में है x^b / x^c का होल पावर है v² + bc + b² इंटू में है x^c / x^a का होल पावर है c² + ca + a². अब तीनों मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में अगर हमें सॉल्व करना तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे, अगर x^a / x^b है तो हम x^a - b लिखते हैं, फिर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो गई, इंटू में क्या है x^b - c इंटू b² + bc + c² इंटू में हमारे पास क्या है x^c - a इंटू c² + ca + a², अब एक्स ये एक्स है, ये एक्स है, ये इंटू का साइन है आपका, ये एक्स है और ये एक्स, तीनों सेम है मल्टीप्लाई में, तो एक्स सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। पर उससे पहले आप ये देखो x^a - b² + ab + b² किसका फॉर्मूला है, a³ - b³ का, एज इट इज़ ये भी किसका फॉर्मूला है, b³ - c³ का, तो ये किसका है c³ - a³ का, तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, a³ - b³ + bq - c³ + में आएगा c³ - a³, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, इस तरह से आपको दिख जाएगा c³ - a³ भी है यहाँ पे, x³ a³ - bq (x^p) + bq - cq + cq - a³ है आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, a³ से इस a³ को कट कर देंगे, इस b³ से इस b³ को कट कर देंगे, इस c³ से c³ को कट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x^0 = 1। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिसेस में, हमने जो 9th-10th क्लासेस में की हैं। बुक सेलेक्ट होने के बाद आपको एक्सरसाइज भी भेज दूँगी मैं, जो है मेरे पास उसका मैं आपको टॉपिक भेज दिया, उसको कीजिए। थैंक यू, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक यू ऑल।